साथियों का धन्यवाद आने के लिए करूंगी मैं, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको महाशिवरात्रि। आज अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली आप लोगों के बीच में आए हैं। महाशिवरात्रि केजरीवाल जी ने रोहतक में मनाई है और सबको महाशिवरात्रि की आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं भी है। भाईचारा कावड़ लेके आम आदमी पार्टी के लोग लेके आए, और इस भाईचारा कावड़ का मकसद ही ये था कि हरियाणा के अंदर भाईचारा कायम हो जो इन पार्टियों द्वारा सीबीआई द्वारा बिगाड़ दिया गया है। हरियाणा के लोगों की खुशहाली के लिए तो ये 10 दिन की हमारी यात्रा थी। करीब 600 किलोमीटर इस यात्रा के दौरान हम अलग अलग जगह से आए हैं, और पूरे हरियाणा में इस यात्रा को बहुत भारी समर्थन मिला है। आप लोगों का धन्यवाद आप लोगों का भी मिला है, और जिस तरह की हमारे साथ पानीपत के अंदर जो घटना हुई है ऐसा मुझे लगता है कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। क्योंकि पहले हम शिव भक्त थे, कावड़िए थे, गंगा जल उठा कर लेके आए थे, और हमारा मकसद था कि गंगा जल इन मंत्रियों को मुख्यमंत्री को दें ताकि इन्होंने जो अपने 2014 के अंदर वादे किए थे, जो इन्होंने स्कूलों के लिए वादे किए थे, जो इन्होंने हॉस्पिटलों के लिए वादे किए थे, जो रोजगार के लिए वादे किए थे, जो किसान के लिए वादे किए थे, वो याद दिलाने के लिए हम गंगा जल लेके आ रहे थे कि भाई इनको सबको गंगा जल भेंट करेंगे, इनको कुछ सद्बुद्धि आएगी। हम जब गंगा जल लेने के लिए गए तो इनके एक मंत्री अनिल विज साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले वही गंगा में जाके डूब मरे। उसके बाद इनके एक और मंत्री ने बयान दिया, फिर कर्णदेव कंबोज जी ने बयान दिया, करीब इनके 3 मंत्रियों ने बयान दिया। और पानीपत की जो घटना हुई है, पानीपत के अंदर गाड़ियों की तलाशी ली गई, बदतमीजी की गई, चाबी छीनी गई, और जब वहां दूसरे और कावड़िया आए गए, सारे साथी आ गए और पब्लिक आ गई, तो उन्होंने माफी मांगी। तो हमें यह समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरह से व्यवहार किया गया। और जब हमने पुलिस वालों को वहां पे घेरा और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे को ऊपर से आदेश है। तो ये भी एक गंभीर मामला है, कावड़ियों का अपमान है, गंगा जल का अपमान है, शिव भक्तों का अपमान है। जो ये पार्टी हिंदू हिंदू करती है तो मुझे लगता है हरियाणा के करीब 5-7 लाख लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं, और इस तरह का व्यवहार किया गया। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी इस भाईचारा कावड़ का यात्रा का समापन करने के लिए आए हैं, और आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, आप लोगों से मिलना भी, क्योंकि पहले भी मिले थे तो आप लोगों से मिलने भी गए। अरविंद केजरीवाल जी, थैंक यू। आज महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज मैं जल चढ़ाने के लिए आया हूँ, और हमारे भाई नवीन जैनिंद और कई सारे और साथी कावड़ लेके जल लेके यहाँ पे आए हैं, उनके साथ अभी हम लोगों ने जल चढ़ाया शिव जी पे। और अच्छी बात ये है कि कावड़ की काफ़ी मान्यता है। मेरे को याद है जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी और उसके बाद मेरे चाचा जी के बच्चे हर साल कावड़ लाया करते थे। मैं तो नहीं लाया, लेकिन उन फिर जल चढ़ाने के लिए हम सारे जाया करते थे। अक्सर देखा गया है कि लोग जब कावड़ लेके आते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, इच्छा होती है, सब भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं कि जी मैं कांवड़ लेके आऊँगा, मेरे परिवार में ये दुख है, ये कर देना, ठीक कर देना, ऐसे कर देना। ये जो नवीन जैहिन जी और सभी साथी कांवड़ लेके आए हैं, ये भी मान्यता, इनकी भी कुछ ना कुछ मान्यता थी, लेकिन इन ये अपने लिए नहीं मांग रहे थे। ये हरियाणा में भाईचारा हो,
सभी जातियों के बीच में भाईचारा हो, हरियाणा आगे बढ़े, हरियाणा भले फूले, हरियाणा की प्रगति हो, हरियाणा का विकास हो, इसके ये मन्नत मांग के कावड़ लेके आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भोले महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये इच्छा जरूर पूरी हो। 3.5 साल पहले हरियाणा में 4 साल पहले सरकार बनी थी, दिल्ली में 3.5 साल पहले हमारे से, हरियाणा के 6 महीने बाद हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, 4 महीने बाद। आज दोनों को अगर कंपेयर करें तो दिल्ली के विकास की कहानी आज पूरी दुनिया में गाई जा रही है, जबकि दिल्ली में तो पूर्ण राज्य भी नहीं था। मैं आधे राज्य का 4th मुख्यमंत्री हूँ। कितनी अड़चने अड़ाई इन्होंने, कितनी अड़चने अड़ाई कि केजरीवाल काम ना कर पाए, उसके बावजूद भी हमने कितना काम कर दिया, खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन 4 क्षेत्रों में तो इतना काम हुआ है कि पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। स्कूल कितने अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूलों का काया पलट हो गया, प्राइवेट स्कूलों से फीस वापस करवाई है, फीस बढ़ने नहीं दी, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने सरकारी आदेश का उल्लंघन करके फीस बढ़ाई, उनसे फीस वापस करवाई है बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि प्राइवेट स्कूलों ने फीस वापस करी है। मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं दिल्ली में, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त हो गई, कई कई लाख रुपए के ऑपरेशन फ्री में होते हैं दिल्ली में, और गरीबों के भी अमीरों के भी जो चला जाए उसी का फ्री में होता है। उसी तरह से बिजली सबसे सस्ती हो गई पूरे देश में दिल्ली के अंदर, पानी मुफ्त हो गया, गली गली में पानी पहुंच रहा है। मेरे को ये जान के आश्चर्य होता है कि जब दिल्ली के अंदर इतना विकास हो गया उस हरियाणा के बाद सरकार बनी थी, मैं हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको 4 साल में हरियाणा में क्या क्या विकास दिखाई दिया? स्कूल अच्छे हुए? नहीं हुए। अस्पताल अच्छे हुए? नहीं हुए। बिजली आने लगी 24 घंटे? नहीं आने लगी। बिजली सस्ती हुई बता रहे हैं और महंगी हो गई। पानी आता है? नहीं आता। किस क्षेत्र के अंदर विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ? तो ये बड़ा दुख होता है कि 7-7 सरकार बनी थी और हमने इतना दिल्ली के अंदर, दिल्ली की विकास की कहानी आपको जान के आश्चर्य होगा, विदेशों से अब कॉफी अन्नान साहब जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो 6 बड़े बड़े लोगों की, स्वीडन के या नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे 6 बड़े बड़े लोग 6 सितंबर को दिल्ली आ रहे हैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। ये बहुत गर्व की बात है पूरे देश के लिए कि हमारे जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कहानी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हम तो राजनीति करने तो आए नहीं, राजनीति हमको आती भी नहीं है, हम तो आम लोग हैं, आम आदमी हैं, और देश का विकास हो इसी में हमारी इच्छा है। खट्टर साहब को या तो भाजपा वालों को खट्टर साहब को करना नहीं आ रहा, और या उनकी नीयत नहीं है करने की। अगर उनको करना नहीं आ रहा तो हम मुफ्त में सिखाने को तैयार हैं उनको कि भाई स्कूल कैसे ठीक करते हैं, प्राइवेट स्कूलों की कैसे फीस वापस कराते हैं, बिजली कैसे सस्ती करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा, हम उनको सब कुछ सिखाने को तैयार हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि हमसे सीख के अभी भी 1 साल बाकी है, कर लें, अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता दोबारा उनको जिता देगी, और अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब नीयत ही नहीं है करने की, और अगर नीयत नहीं है करने की तो फिर जनता अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट दे तो जैसे दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे काम हुए, ऐसे फिर हरियाणा में भी सारे स्कूल भी ठीक करेंगे लोगों के साथ मिलके, अस्पताल भी ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। एक थोड़ा सा दुख ये है, मेरे को भी बताया गया कि कल शायद एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है ड्यूटी के ऊपर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति दे,
उनके घर वालों को इस सदमे से को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। मुझे ये भी बताया गया कि अंबाला के अंदर एक सैनिक शहीद, अंबाला के रहने वाले एक सैनिक शहीद हो गए हैं। मैं वहाँ भी जाऊँगा अंबाला के परिवार वालों से मिलने के लिए। दिल्ली में हम लोगों ने एक योजना बनाई है, स्कीम बनाई है, जिसके तहत अगर कोई भी पुलिस का व्यक्ति या कोई भी सैनिक दिल्ली का रहने वाला जो है वो अगर ड्यूटी पे या ऑपरेशन के दौरान शहीद होता है तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। वैसे तो ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए अपनी जान गंवा दी उसके जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, 1 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम परिवार को लगता है भाई देश हमारे साथ खड़ा है, लोग हमारे साथ खड़े हैं, सरकार हमारे साथ खड़ी है, समाज हमारे साथ खड़ा है। उस भावना से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। मैं हरियाणा सरकार से भी अपील करता हूँ कि उन दोनों के परिवारों को ये स्कीम लागू की जाए और जब तक स्कीम लागू नहीं होती उन दोनों के परिवारों को तुरंत 1 करोड़ 1-1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को दी जाए। अगर आपके कोई प्रश्न है, मीडिया वाले कहीं मेरे को कहा करते हैं जी आप बात नहीं करते, आज खुल के बात करेंगे, मतलब क्या कहने का वो है आधा राज्य है। आप डिटेल में जानना चाहो तो शीला जी के टाइम में आधा राज्य था, जब से हमारी सरकार बनी मोदी जी ने एक एक करके मेरी सारी पावर छीन ली। जैसे दिल्ली में एक एंटी करप्शन ब्रांच होती थी, सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट किया करती थी। आपको याद है जब 49 दिन की सरकार बनी थी पूरे दिल्ली के अंदर एक खौफ था, 49 दिन में 32 अफसर हमने जेल भेज दिए थे, पूरे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम नहीं कहूंगा मैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था उन दिनों में 49 दिन में। जैसे ही दूसरी बार हमारी सरकार बनी मोदी सरकार ने ऑर्डर पास करके पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। जितने सर्विसेज के मामले हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग है अफसरों की, कर्मचारियों की, उनको सस्पेंड करने की पावर, डिसिप्लिनरी एक्शन की पावर, वो सारी मोदी सरकार ने हमसे छीन ली ऑर्डर पास करके। इस तरह से एक एक ऑर्डर पास करके जो पावर शीला दीक्षित जी के पास थी वो भी नहीं छोड़ी। तो ये मेरा कहने का कि आधा राज्य तो है वह उसका भी चौथाई मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे काम हुए हैं क्योंकि नीयत साफ है। केंद्र सरकार में या हरियाणा सरकार। मैं तो बहुत सोचता हूँ जी और बहुत लोगों से पूछता हूँ काम क्या किया। काम के नाम पे तो जैसे आप ही लोगों से पूछो काम कुछ याद आता है। बीजेपी के कोई कट्टर समर्थक अगर आपको मिल जाए, जो जिनको हम भक्त कहते हैं, भक्त भी अगर आपको मिल जाए उससे पूछो भी क्या काम किया 4 साल में, वो भी गिना नहीं सकता। नोटबंदी की है जी, इससे तो दुखी हो रही है जनता। तो दंगे कराने के सिवा और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। जाटों को नॉन जाट से लड़ा दो, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दो, गाय के नाम पे मरवा दो, देशभक्ति के नाम पे मरवा दो, चारों तरफ खौफ डर का माहौल है। व्यापारियों के ऊपर इतनी रेड हो रही है, रेड राज हो रहा है पूरा व्यापारियों पर। इनकम टैक्स वाले जब मर्जी किसी को बुला लेते हैं, मैं भी पहले इनकम टैक्स में था। इस तरह का माहौल तो मैंने कभी नहीं देखा जिस तरह का माहौल आज हो रहा है। जी सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया कि दिल्ली में सरकार की चलेगी, जब इस बार इतना कोई फर्क ये है? इससे काफी फर्क पड़ा है जी। पहले हर फाइल एलजी साहब के पास जाया करती थी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, ये 1 करोड़ रुपए वाली जो फाइल है शहीदों को 1 करोड़ रुपए देने वाली, जब हमारी सरकार आई हमने इसको लागू कर दिया, 6 महीने लागू किया, 6 महीने में मेरे को याद आ रहा है 7 या 8 शहीदों को हमने 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। फिर वो एलजी साहब के पास फाइलें जानी चालू हो गई, एलजी साहब ने उस पर रोक लगा दी, 3 साल तक वो रोक के रखा एलजी साहब ने। अब वापस सुप्रीम कोर्ट की वजह से पावर वापस आई है तो मैंने उसको दोबारा बहाल कर दिया एलजी साहब के ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करके, तो फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाती। लेकिन सर्विसेज का मामला अभी भी अटका हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जल्दी उसको समाधान करेगा। परिवार के अंदर का मामला हम सुलटा लेंगे। आप कह रहे हैं
प्रदेश में नकारात्मक माहौल है, हिंसात्मक माहौल है, बेचारे का माहौल नहीं, देश भर में ही है। हाँ, पूरे देश, हाँ पूरे देश के लिए मालूम है कि जिस तरह का समय बना हुआ है, आपस में जिस तरह से हिंदुओं का चुनाव लड़ना है और बीजेपी का उसमें जिस तरह से आपको भारत में हो सकता है, क्या 2019 में आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? नहीं जी। अगर नहीं है तो आपकी नज़र में कौन प्रधानमंत्री हो सकता है कि जो देश में इस तरह के विकास की ओर ले जाए देश को, कौन है? वो तो जनता तय करेगी जी, जनतंत्र है, कौन है मेरे दूर दूर तक मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब मेरा तो नाम भी मत सोचना और ना घसीटना इस मामले में, ये बड़े बड़े लोगों का काम है, लेकिन जनता तय करेगी जो भी होगा उसके। लेकिन सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उसमें उस प्लेटफॉर्म पे आप भी नजर आते हैं, तो किसी न किसी को आपने इंगित किया हो? नहीं, हमने किसी को इंगित नहीं किया, जैसा मैंने कहा जनतंत्र है, जनता तय करती है, जनतंत्र के अंदर जनता तय। तो क्या आप इस गठबंधन के हक में हैं जो है जी? पंजाब में आपकी पार्टी में हलचल मच गई है और खेड़ा के साथ जो विधायक थे, क्या आप पार्टी से निकाले? नहीं, किसी को नहीं निकाला जी, जैसा मैंने बताया अपने को देश की बात करनी है, जनता की बात करनी है, विकास की बात करनी है, जनता के हितों की बात करनी है। हर परिवार के अंदर कई बार बर्तन बजते हैं तो वो अंदर परिवार का मामला है, उसको सुलटा लेंगे। भगवत मान और आप लोगों पर सुखबीर खैरा ने कहा है कि केजरीवाल और भगवत मान अपने मेजोरिटी जो माफ़ी मांगी आपने उस पर स्टैंड क्लियर है? स्टैंड तो क्लियर कर दिया, जो माफ़ी मांगी थी वो स्टैंड ही था, बाकी और पार्टी का पंजाब में आप लोग तो भगवत मान को बोलते हैं, भगवत मान को बोलते हैं कि मैं। अध्यक्ष जी, अभी अध्यक्ष का और को अध्यक्ष का दो पद थे वो दोनों खाली हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया था, अभी तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है, तो जब भी उसके निर्णय होगा उस पर जल्दी जाएंगे जी, सितंबर अक्टूबर का प्लान है। सर, जो जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ, क्या आप उसमें शामिल होंगे? क्योंकि एक महागठबंधन की बात की जा रही है। मेरे को किसी भी, मैं गठबंधन की राजनीति, फलानी राजनीति, मेरा मेरी सीधी राजनीति जनता की राजनीति है, जनता के विकास की राजनीति है, जनता के हितों की राजनीति है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम सरकार चला रहे हैं, हम 24 घंटे यही सोचते हैं कि हम जनता के लिए और क्या काम कर सकते हैं। जो पिछले 3 साल में मेरा सरकार चलाने का अनुभव है, मैं कई बार ये सोचता हूं कि अगर हम लोगों ने 3 साल के अंदर इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतने काम कर दिए तो ये पार्टियां 70 साल में क्यों नहीं कर पाई, इसका फ्रैक्शन भी नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार है, हरियाणा में 4 साल से है, गुजरात में तो मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए इनको, वहाँ पे स्कूल ठीक हुए, अस्पताल ठीक हुए, 20-25 साल तक सरकार चलाने के बाद अगर ये अस्पताल और स्कूल ठीक नहीं कर पाए तो या तो इनको करने नहीं आते और या ये करना नहीं चाहते, दोनों में से एक ही बात है। तो हम इस पूरे इस किस्म की राजनीति की बजाय हम सीधे जनता की राजनीति सोचते हैं। अभी हमारे 24 घंटे, हम यही दो, एक तो पूरी दिल्ली में अब CCTV कैमरे लगाने का चलने वाला है, कल कैबिनेट है हमारी, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने वाला है और उसके बाद हर स्कूल की हर क्लास में हम CCTV कैमरे लगाने वाले हैं सरकारी स्कूलों के, और जो पेरेंट्स होंगे उनके फ़ोन पे हम पासवर्ड दे देंगे तो आप अपनी अपने बच्चे की क्लास लाइव देख सकते हो कि मेरे बच्चे की क्लास में अभी क्या चल रहा है। इससे बड़ी वो, इससे जो है एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ेगा। और तीसरा, एक अभी हम स्कीम बनाई है कि जितनी भी सरकारी भी, जितने भी लोगों को सरकार में काम कराने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, आप SDM के दफ्तर चले जाओ, राशन कार्ड बनाने चले जाओ और लाइसेंस बनवाने चले जाओ, अब हम ये सब खत्म कर रहे हैं। हम एक फ़ोन नंबर, एक महीने के अंदर ये टेंडर वेंडर हो गए हैं, वो आने वाला है, एक महीने में एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा दिल्ली के लोगों को, बस एक ही फ़ोन नंबर होगा, आपको दिल्ली सरकार से कोई काम कराना है उस पर फ़ोन कर दो, उधर से वो आपसे पूछेंगे जी हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए, कितने बजे फ्री हो, आप कहो जी मैं रात को 8 बजे फ्री हूँ, मैं तो लेट आता हूँ दफ्तर से, रात को 8 बजे दिल्ली सरकार से कोई आदमी आपके घर आएगा और अपनी मशीन लेके आएगा, फोटोकॉपिंग, एक स्कैनिंग मशीन लेके आएगा और एक वो बायोमेट्रिक मशीन लेके आएगा, आपका वहीं पर सारे कागज़ों की स्कैनिंग कर लेगा, आपको सारे कागज़ वापस कर देगा, एक रसीद दे देगा, एक हफ्ते के अंदर आपका सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपके घर पोस्ट से पहुंच जाएगा, आपको किसी को, दलाल को, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, लाइन में लगने की जरूरत नहीं,
आपके घर आके सरकार आपके काम करती जाएगी। तो हमारे इसमें जी लगभग शुरुआत में 100 सेवाएं हैं, 100 इसमें जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इस किस्म के कई सारे सर्टिफिकेट, एसडीएम के दफ्तर में 21 किस्म के सर्टिफिकेट बनते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आपको गाड़ी की ओनरशिप चेंज करानी है, आपको कई सारे इस तरह के होते हैं, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो अभी 100 सेवाओं से शुरू हो रहा है और बंद करते करते आखिर में 150 तक सेवाएं इसके अंदर लाने का विचार है। उसी तरह से राशन है, राशन की दुकानें हम बंद कर देंगे, हर राशन वाले के घर में पैकेट बोरी पैक कर देंगे और उसके घर में सरकार सीधे राशन पहुंचा दिया करेगी, किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी राजनीति है जी, हमारी कोई गठबंधन की राजनीति, हमारी सीधी जनता की राजनीति है। बहुत क्लियर है जी, ये मेरे को गलत कोट किया जा रहा है। मैंने हमेशा ये, मेरा ये मानना है कि दोनों राज्यों के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय कौन करेगा? न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो लागू होगा। अभी तक इन सारी पार्टियों ने एसवाईएल के मुद्दे पे केवल और केवल राजनीति करी है, हम राजनीति नहीं करना चाहते। अभी जब पंजाब के चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर ने मैनिफेस्टो जारी करा था, उस मैनिफेस्टो में लिखा था हम एसवाईएल का पानी बिल्कुल नहीं देंगे हरियाणा को, और उसको रिलीज कौन करके आया था? कौन करके आया था? सुरजेवाला। और यहाँ आके वो कुछ और बोलते हैं। तो दो ही तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो भाईचारे से कर लो और या कोर्ट से कर लो, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो भाईचारे से करते तो यहाँ इनकी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ अकाली बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, एक टाइम ऐसा भी था जहाँ तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। तो क्यों नहीं करा इन्होंने भाईचारे से? तो इनका मकसद भाईचारे से समाधान करना नहीं है, इस मुद्दे को जीवित रखना है अपनी गंदी राजनीति के लिए। हमारा ये मानना है कि हमारी तो तीनों जगह सरकार है नहीं, तो हमारा ये मानना है कि कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसको सख्ती से लागू किया। सुप्रीम कोर्ट करेगा जी न्याय, न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है इस देश के अंदर, कोर्ट ही करता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात है कि हर मामले में टिप्पणी ना करें। मेरे को नहीं कहा उन्होंने, किस सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, अच्छा केंद्र सरकार ने बोला। ये बड़े दुख की बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं सुनना चाहते। हरियाणा में चुनाव लड़ने की क्या स्थिति है? हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे जी, लोकसभा के भी लड़ेंगे और विधानसभा के भी लड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया भाई, खट्टर साहब अगर सीख लें और स्कूल और अस्पताल ठीक कर लें तो अच्छा है, मेरे को लगता नहीं वो करेंगे। जैसा मैंने बताया जी, हम राजनीति मुख्यमंत्री के लिए नहीं करते, हम राजनीति जनता के लिए करते हैं। तो आप मेरे से मुद्दे पूछो, स्कूल कैसे ठीक करोगे जी, अस्पताल कैसे ठीक करोगे, सारा खाका दे दूंगा मैं आपको, बाकी तो फिर जनता तय करेगी। सर पानीपत में जो घटना हुई, पानीपत में जो घटना हुई, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं सरकार ने करवाया, सरकार के लोग कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। पुलिस किसकी है? पुलिस आम आदमी पार्टी की है कि सरकार की है? पुलिस तो उन्हीं की है। तो पुलिस ने वहाँ रोक के बदतमीजी करी, गाड़ी की चाबी छीन ली, वो सब किया। पर मेरा ये मानना है कि देखो, कावड़ जो भी लाता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कावड़िया है, वो कांग्रेस ही नहीं होता, वो आम आदमी पार्टी का नहीं होता, वो भाजपा का नहीं होता। दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने, जितने दिल्ली में कावड़ के शिविर लगे हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े, सारे दिल्ली सरकार ने लगाए हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, पता नहीं होगा आपको, और हम अपने होर्डिंग भी नहीं लगाते। सारे के सारे दिल्ली के शिविर, कावड़ के शिविर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित है। हम वहाँ ये नहीं देखते आम आदमी पार्टी का है कि बीजेपी का है। जो कांवड़िया है वो कांवड़िया है, हमारे लिए वो पूजा के योग्य है, भक्ति के योग्य है। जो आदमी इतनी दूर से मेहनत करके और अपने शरीर को तकलीफ देके कांवड़ ला रहा है, कांवड़ियों का सेवा करने सिखाई है मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी ने, हमारे परिवार ने कांवड़ियों की सेवा करनी सिखाई है। कांवड़ियों के काम के अंदर जो भी बाधा पहुँचाता है उसको पाप लगता है, लेकिन हमने उनको माफ़ किया। अकाली दल के नेता ने सर, नहीं कोई तैयारी नहीं, अब हो गया काफी।